Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया की एक हॉट एंड सिजलिंग हीरोइन जिसकी जिंदगी में सिर्फ ट्रेजेडीज ही ट्रेजेडीज रहीं, नाम जिनका लीना चंदावरकर। जी हाँ, लीना चंदावरकर बहुत कम उम्र में फिल्मों में तो आ गईं, लेकिन इनके जीवन में वो घटनाएं घटी जिससे इनका जीवन बड़ा ही दुख भरा हो गया। किशोर कुमार साहब से शादी करने से पहले इनकी एक शादी हुई थी, शादी जो कि एक लव मैरिज थी। शादी हुई थी 8 दिसंबर 1975 में। ये शादी 11 महीने चली। इनके पति सिद्धार्थ को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि हंसता खेलता परिवार था, अच्छा खासा रईस परिवार था। लेकिन एक दिन वो अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और बंदूक साफ करते करते अचानक गोली चल पड़ी। उसके बाद सिद्धार्थ जीवित ना बच सके। जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन मुझे मालूम हो गया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। उसी वक्त मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हारे दोस्त अमर ने मुझे ये कहने से रोका। मैं चाहती थी कि जब तक तुम तरक्की की मंजिल तक न पहुंच जाओ तब तक ये सच्चाई तुमसे छिपी रहे। अभी इनका फिल्मी करियर परवान चढ़ाई था, तभी दूसरी त्रासदी ने भी इन्हें घेर लिया। इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी फिल्मों की हीरोइन बनी और छा गई थी। सब जानते थे कि ये एक सुपरस्टार है, लेकिन इनका छोटा भाई जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, जिसने अपना पूरा जीवन लीना जी के फिल्म करियर पर न्यौछावर कर दिया, उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। अपने निजी जीवन में वो बहुत परेशान था, शादी हो चुकी थी, एक प्यारी सी बेटी भी थी। सुसाइड नोट लिखा जिसमें माफी मांगी लीना जी से और तभी सन 1987 में किशोर कुमार साहब का दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया। लीना चंदावरकर के जीवन में खुशियां आईं और बहुत ही कम देर के लिए इनकी जिंदगी में टिकी और सब कुछ त्रासदी में परिवर्तित हो गया। बॉलीवुड की चमक धमक भरी दुनिया के ये जाने माने सितारे अपने दिल में क्या घाव लिए चलते हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है। ऐसी और भी बड़ी हैरत अंगेज दास्तानें सिर्फ पेश रही रिपोर्टर पर।